ये वही कचौरियां हैं जो हमें बाजार में नहीं मिलती। ये हमारी माँ के हाथ की स्वादिष्ट और बहुत ही ज्यादा प्यार भरी कचौरियां हैं, और जो हमने कभी अपनी नानी के हाथ की भी खाई हैं और दादी के हाथ की भी खाई हैं। ये कचौरियां बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती हैं और स्वाद में तो इनका कोई जोड़ ही नहीं है किसी और कचौरी से। बाजार की कचौरी से आप इनकी कंपेयर ना करें, यह बहुत ही हेल्दी, बहुत ही डिलीशियस लगती हैं। और ये कचौरियाँ हम जब बच्चों को बनाकर खिलाते हैं या फिर बरसात में और ठंडी के मौसम में खाते हैं तो इनका स्वाद दुगना हो जाता है। ठंड है तो बथुआ भी आया हुआ है मार्केट में, तो बथुआ भी हमने यहाँ पर यूज़ करा है। वैसे ये आलू से ही बनती हैं। यहाँ पर एक बंच बथुआ लिया है इन्हें बनाने के लिए और उसके सॉफ्ट पार्ट को अलग कर लिया है और डंडियों को फेंक दिया है। तो इसे हमने 10 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रखा था और उसके बाद 3 से 4 बार हमने बथुए को अच्छे से धो लिया है जिससे कि इसकी पूरी मिट्टी निकल जाए। मिट्टी निकालनी बहुत ज़रूरी है बथुए की, क्योंकि अगर इसके अंदर मिट्टी आ गई तो हमारे फिर बथुए की कचौरियाँ या फिर आलू की कचौरियों का स्वाद बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर 3 से 4 बार बथुए को अच्छे से धोने के बाद कुकर में डाल दिया है और फिर ले लिए हैं मैंने यहाँ पर 0.5 किलो आलू। विंटर में जो नए आलू आते हैं ये वही आलू हैं। आपको नए आलू नहीं मिले तो आप पुराने आलू यूज़ कीजिएगा और उनको बिना कट करे और बिना छीले आप बथुए के साथ बॉईल कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इनका छिलका उतार लिया है, बहुत पतला छिलका होता है इनके ऊपर, आसानी से उतर जाता है और इनके ऊपर भी बहुत मिट्टी होती है तो उसको भी निकालना ज़रूरी होता है। यहाँ पर बहुत मोटे आलू लिए हैं मैंने, तो इसलिए जल्दी से आलू पक जाएं इसलिए इसके 4 टुकड़े करे हैं। आलुओं को अच्छी तरह से धोकर काटकर हम डाल लेते हैं बथुए के अंदर। इनका स्वाद बहुत अच्छा आता है अगर हम इस टाइम ये कचौरियाँ बनाते हैं तो अगर आपको नए आलू मिलें तो आप ज़रूर से लीजिएगा। यहाँ पर डालते हैं सिर्फ 0.5 ग्लास पानी। 0.5 ग्लास से ज़्यादा पानी यूज़ मत कीजिएगा, बहुत आसानी से हमारे आलू पककर तैयार हो जाएंगे। और 2 सीटियाँ लगवा देते हैं मीडियम आँच पर। अब आटा लगा लेते हैं। 5 कप आटा लिया है, 1 चम्मच ली है अजवाइन जिसको क्रश कर लिया है और साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यहाँ पर ऐड करा है। मुझे कचौरियाँ थोड़ी सी ज़्यादा बनानी है तो मैंने ज़्यादा आटा लिया है। आपको अपने परिवार के लिए जितनी कचौरियाँ बनानी हो आप उतना आटा लीजिएगा। इतने आटे से 25 से 30 कचौरियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। यहाँ पर सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब हम आटे को गूंथेंगे थोड़े से गुनगुने पानी से। उससे पहले यहाँ पर मैंने गैस पर तेल रखा था गर्म होने के लिए। सरसों का तेल है तो इसमें से भाप निकालनी ज़रूरी होती है, क्योंकि इसका स्मोक अगर निकल जाता है तो बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। तो वो थोड़ा ठंडा हो चुका है, पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ था स्मोक निकलने के बाद। मैंने उसी में से 1 चमचा तेल लिया है और कचौरियों के आटे में डाल दिया है। आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले से गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, और आप यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा मेल्ट करके। तो इसको भी हम मिला लेते हैं और अब हम थोड़े से गर्म पानी से आटा लगाएंगे। यहाँ पर गुनगुना पानी लेंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिएगा और उसके बाद एक सॉफ्ट डो लगाइएगा। डो ऐसा लगना चाहिए कि जैसे हम रोटियां बनाते हैं उससे थोड़ा सा हल्का और सॉफ्ट। इसी से हमारी कचौरियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। और आलू पे डिपेंड करता है और आटे पे डिपेंड करता है कि हमारी कचौरियाँ फूटेंगी नहीं और फूली फूली बनेंगी। तो यहाँ पर आप आटा लगाते हुए थोड़ा ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट डो लगाना है। डो लगकर हमारा तैयार है। हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। तब तक हमारे कुकर में 2 सीटियाँ भी आ चुकी हैं और हमने गैस भी बंद कर दी है। कुकर की गैस रिलीज हो गई है, इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर रखते हैं और कुकर का ढक्कन खोलते हैं। देखिए हमारे आलू बिल्कुल पककर तैयार हैं। आलूओं में सिर्फ 2 सीटियां लगी हैं और बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब इन्हें एक छलनी में निकाल लेते हैं हम। और आलूओं को हमेशा जब गैस रिलीज हो जाए तभी निकाल लेना चाहिए ताकि वो भाप में सूख जाएं। जब हम भाप बनी हुई आलूओं को एकदम खोलते हैं तो वो एकदम से ड्राई हो जाते हैं। इससे हमारी जो मिक्सचर हम तैयार करेंगे कचौरियों का वो बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं हम। इतने हम कुछ और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 हमने ले लिए हैं हरी मिर्च, जो कि हम इस मिक्सचर के अंदर डालेंगे आलू वाले के। और इसमें हमने 3 टुकड़े लिए हैं छोटे अदरक के और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली हैं। इनको अच्छी तरह से खरबत्ते में डालकर कूट लिया है हमने। अब इसको भी हम इसी में डाल देंगे, लेकिन उससे पहले आलूओं को हम मैश कर लेते हैं।
आलू थोड़े से ठंडे हुए हैं, पूरे ठंडे नहीं हुए हैं, जब थोड़े से गुनगुने हों आलू तब उन्हें मैश कीजिएगा। बहुत आसानी से बिना मैशर के आराम से मैश हो जाते हैं। कभी कभी आलू हमारे ऐसे आते हैं मार्केट से कि जब हम उनके मिक्सचर तैयार करते हैं कचौरियों का, तो वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो आप इसमें 2-3 चम्मच बेसन का आटा मिला दीजिएगा, लेकिन आटे को थोड़ा रोस्ट करके डालिएगा भून के। उससे क्या होता है कि हमारी कचौरियाँ ज़्यादा फटती नहीं है और जो मिक्सचर है वो हमारा थोड़ा टाइट बनेगा, तो कचौरियाँ फूलेंगी भी। यहाँ पर बथुआ भी हमने निचोड़ लिया है अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से निचोड़ना है जिससे इसके अंदर पानी ना रहे। इसको भी आलू के साथ रख देते हैं और जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का अभी पेस्ट बनाया है उसको भी डाल देते हैं। चम्मच से इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अभी इसके अंदर हम और मसाले ऐड नहीं करेंगे बिल्कुल भी। चम्मच से इसलिए क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्च है, तो कभी कभी हरी मिर्च हमारी हाथों में थोड़ी सी जलन पैदा कर देती है, इसलिए चम्मच से कीजिएगा। यहाँ पर जो हमने तेल रखा हुआ था गैस बंद करके, उसको दोबारा से हमने गैस चला दी है उसके नीचे, क्योंकि अब हमें कचौरियाँ बनानी हैं। और आटा जो हमने 10 मिनट के लिए रखा था, तो 10 मिनट हो चुके हैं, इसको भी सॉफ्ट कर लेते हैं दोबारा से। देखिए आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम मिक्सचर के अंदर डालेंगे मसाले, और मिक्सचर के अंदर मसाले डालने के तुरंत बाद हमें कचौरियाँ बना लेनी है। यहाँ पर 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर से थोड़ी सी बाइंडिंग अच्छी आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, यहाँ पर 1/2 कप के करीब। हरा धनिया मैंने पहले से ही धोकर सुखा लिया था और उसके बाद इसको काटा था, इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। 1/2 चम्मच डाला यहाँ पर गरम मसाला पाउडर। मैं तो इतने ही मसाले यूज करती हूँ, आपको एक्स्ट्रा डालने हैं तो आप डाल सकते हैं जीरा पाउडर वगैरह, लेकिन हमने जो खाई है कचौरियाँ अपने दादी नानी के या माँ के हाथ की, तो हमें तो वही टेस्ट अच्छा लगता है। यहाँ पर सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि अब हम चम्मच से नहीं करेंगे, उंगलियों से ही हमें इसे अच्छी तरह से करना है मिक्सचर को। तो फटाफट से मिला लेते हैं। हमारा मिक्सचर बहुत टाइट है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आलू हमारे अच्छे थे। आलूओं के ऊपर मिक्सचर का बनना डिपेंड करता है। और जब हम आलूओं को उबालते हैं, अगर आपने कुकर में उनको बहुत देर डाल दिया गैस रिलीज हो जाने के बाद, तो आलू हमारे पानी अब्सॉर्ब कर लेंगे और वो फिर बहुत ज़्यादा पतला सा मिक्सचर बनकर तैयार होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही गैस रिलीज हो फटाफट से आलू निकाल लीजिएगा, उन्हें ड्राई होने दीजिएगा, इससे मिक्सचर बहुत अच्छा बनता है आलूओं का। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कचौरियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। तेल हो चुका है हमारा गरम, मीडियम आंच पर गरम करा हमने यहाँ पर तेल। अब हम एक लोई तोड़ेंगे, करछी में उसी कढ़ाई में से तेल लेंगे जो हमने गरम करा है। हमें यहाँ तेल यूज करना होता है, सूखा आटा बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि सूखा आटा अगर हम कचौरियों में यूज करेंगे तो तेल के अंदर सूखा आटा जाएगा, तो फिर तेल खराब हो जाएगा हमारा, छोटे छोटे से कण हमारी कचौरियों पर चिपक जाते हैं, ब्लैक हो जाता है। इसको थोड़ा सा बेल लेते हैं हम, क्योंकि हमें इसके अंदर मिक्सचर डालना है, बस इतना ही हमें इसे बेलना होता है। देखिए उठाते हैं मिक्सचर डालते हैं, मैं कचौरियों में थोड़ा सा ज्यादा मिक्सचर डालती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। वैसे कचौरियों में ज्यादा मिक्सचर फिल करते हैं तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और बहुत अच्छी लगती है ज्यादा भरी भरी सी कचौरियाँ। यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो जब हम कचौरी को बेलेंगे तो वहीं से बेलेंगे जहां से हमने एक्स्ट्रा आटा हटाया है। अब दूसरी कचौरी बना के दिखाती हूँ आपको दूसरी तरह से। यहाँ पर लोई बन रही है, इस तरह से हमारी माँ दादी नानी बनाती हैं, तो यहाँ पर भी मिक्सचर डाल देते हैं। आप किसी भी तरह से बना सकते हैं लोई को, पहले तरीके से या इस तरीके से, दोनों तरह से ही कचौरियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। इस तरह से फिल करते हुए इसको बंद कर देते हैं, इसमें से आटा हटाने की हमें ज़रूरत नहीं है, इस तरह से इसमें प्रेस कर देते हैं और लोई को थोड़ा सा हथेली की मदद से दबाएंगे, किनारों को दबाएंगे, इसके सेंटर में ना दबाएं। और अब हम लोई को वहां से बेलेंगे जहां से हमने ये आटा हटाया है या इसका मुंह बंद करा है। इससे हमारी लोई बहुत अच्छी बनती है, हमारी कचौरी फटेगी नहीं और बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसे बेलिएगा। देखिए इधर से हमने इसको पार्ट को बंद करा था, इधर से नहीं करा था, तो हम इस कचौरी को पलट कर डालेंगे, जिधर से हमने बंद करा था वो चीज नीचे जानी चाहिए। इस ट्रिक को आप जरूर ध्यान रखिएगा, कचौरी एकदम से फूल जाएगी और बहुत अच्छी बनेगी। इस तरीके से
जहाँ से हमने बंद करा है, देखिए इसको हम बेल लेते हैं और जब हम कढ़ाई में डालें तो ये पार्ट हमारा नीचे जाना चाहिए इस तरीके से। सारी कचौरियों को हम कढ़ाई के किनारे से लगाकर कढ़ाई में डालेंगे और कचौरियों को निकाल लेंगे। जब तक कचौरी हमारी एक साइड से पूरी तरह से ना पक जाए, फ्राई नहीं हो जाए, तब तक आप उसे पलटिएगा नहीं। इस तरीके से एक बार में ही हमारी कचौरी नीचे से बिल्कुल एकदम ब्राउनिश हो गई है, गोल्डन कलर की हो गई है। तो अब हम दूसरी तरफ से उसे बिल्कुल भी दोबारा टर्न नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ से भी पक चुकी है, किनारे पर लगाइए थोड़ी सी देर, होल्ड कीजिए इसको, जिससे कि एक्सेस इसका ऑयल निकल जाए, और इसे टिश्यू पेपर वाली प्लेट पर निकाल लीजिए। मैं दिखाती हूँ आपको कि टिश्यू पेपर पर कितना ऑयल आया है। देखिए हमारी कचौरी बनकर तैयार है। ऐसे ही सारी कचौरियाँ बना लीजिए। एक कचौरी को मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ। देखिए टिश्यू पेपर पर कितना ऑयल है और हमारी कचौरी कितनी अच्छी बनी है। देखने से लग रहा था कि ये फट जाएगी, टूट जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत अच्छी कचौरी बनती है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कचौरियाँ बहुत अच्छी बनेगी। और एक दो बार आप इन्हें बना लेंगे तो फिर आपका हाथ बैठ जाएगा इन पर, फिर तो आपको बहुत आसानी से बनानी आ जाएंगी कचौरियाँ। देखिए आप इन्हें दही से खाइए या फिर चाय से खाइए, ठंड के मौसम में, बरसात के मौसम में बहुत टेस्टी लगती है। बच्चों के टिफिन में दीजिए, उनको बहुत अच्छी लगती है। देखिए ऑयल इसके अंदर जरा भी नहीं है। सूखी हुई कचौरियां हैं, ना हमारे हाथ पर ऑयल चिपकेगा। बहुत अच्छी कचौरी बनती है। गेहूं के आटे से जिससे हम रोटियां बनाते हैं, उससे बहुत ही अच्छी कचौरियां बनकर तैयार हुई हैं। तो सभी कचौरियों को हम कढ़ाई में डालते हुए, अलटते पलटते हुए इसी तरह से बना लेंगे। कचौरी डालते समय थोड़ा सा ध्यान रखें कि किनारे से लगाकर कचौरी डालें, जिससे छींटे आपके ऊपर ना आए। और आराम से पलटिएगा कचौरियों को, और 2 मिनट कचौरी तेल में डालने के बाद उसे किनारे पर लगाइएगा, जिससे कि उसका ऑयल निकल जाए। और सभी कचौरियों को इसी तरह से निकाल लीजिए। कचौरियां बनकर तैयार हैं। कचौरी बनाने की विधि आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जब आप इन कचौरियों को बनाएं तो मुझे जरूर बताएं कि आपकी कचौरी कैसी बनी। अब बच्चों से तो वेट बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें आ रही है कचौरी बनने की महक। तो मैं तो फटाफट से कचौरियां बच्चों के लिए सर्व कर देती हूँ। आप भी कचौरियों को बनाइए, खाइए, अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। नमस्कार।